नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर की रसीली लीची देश भर में काफी पसंद की जाती है। लीची किसान इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर से आशंकित हैं। इस साल पहले से ही मौसम के अनुकूल नहीं होने के कारण लीची की पैदावार कम होने को लेकर किसान परेशान हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर इनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर रही है। इस साल मुजफ्फरपुर के अधिकांश क्षेत्रों के लीची बगानों में अधिक समय तक नमी रहने और अचानक गर्मी आ जाने के कारण लीची के पौधों में मंजर कम लगे हैं, जिससे फलों की संख्या कम है। लीची किसान ने बताया कि इस बार अभी तक बाहर के व्यवसायियों ने लीची के बाग नहीं खरीदे हैं। वे लीची के और पुष्ट और आकार लेने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति बन रही है। मुजफ्फरपुर के बंदरा क्षेत्र के रहने वाले लीची किसान राहुल ने बताया कि बागों में पेड़ों पर फल तो आए हैं, अब समय से पहले तेज धूप और उच्च तापमान की वजह से फल अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं और फट रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है इस बार लीची को लेकर? दिक्कत यही आ रही है कि सब पैदावार भी बढ़िया नहीं हो पाया है और साल की तरह। दूसरी चीज क्या है कि सब मौसम भी मार खा रहा है, इधर लॉकडाउन भी लग गया, उससे भी हम लोग मार खा रहे। बाहर से कोई जो भी है व्यापारी उपारी आ नहीं रहा है, हम लोग को रोड पर आने का नौबत आ गया हुआ है। उपज कैसी हुई है, मतलब लीची की फसल इस बार कैसे? इस बार लीची के ऊपर तो मिला जुला के है, तो उतना बढ़िया भी फट रहे जो भी है वो सब फट रहा है, और मौसम के बारिश नहीं होने के कारण बहुत परेशान है हम लोग। अगर बारिश नहीं होती है तो कितने का नुकसान होगा? लगभग टोटली नुकसान ही जाएगा, एक रुपया इससे मुनाफा होने की संभावना नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह कुछ? सरकार जो हम लोग किसान को उचित समझे वो मुआवजा दे दे तो बढ़िया रहेगा। अभी तक तो कोई देखने ताकने तक नहीं आया है कोई लोग। नाम क्या हुआ आपका? राहुल कुमार सिंह।